चुनावी गहमा गहमी के बीच आम लोगों की आवाज और उनकी उम्मीदें कहीं दम ना तोड़ दे, लिहाजा न्यूज 11 भारत जनता की आवाज सरकार तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। रिम्स की स्वास्थ्य व्यवस्था के क्या हालत है, जायजा लिया संवाददाता शहनवाज ने। चुनावी गतिविधियों के बीच हम पहुंचे हैं रिम्स, जो झारखंड का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल होने का तमगा जिसे मिला है। खास बात यह है कि चंद दिनों के बाद राजनीतिक दलों के द्वारा घोषणा पत्र जारी होंगे और उसमें मतदाताओं के लिए, जनता के लिए लंबे चौड़े दावे किए जाएंगे। उन दावों में एक बिंदु जरूर होगा कि हम स्वास्थ्य के क्षेत्र में आमूलचूल परिवर्तन लाएंगे। आप मेरे पीछे की इन तस्वीरों को जरा गौर से देख लीजिए, आपको अंदाजा हो जाएगा कि राज्य के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल में किस तरह मरीजों और उनके परिजनों का भार है और जिसे पूरा करना कितना मुश्किल हो पाता है। स्थिति ये होनी चाहिए थी कि ऐसे अस्पतालों की संख्या और होती ताकि झारखंड के दूर दराज से आने वाले लोगों को सुविधाजनक तरीके से इलाज हो पाता। कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, आप बुंडू से आए हैं, बताइए क्या रिम्स जैसे और अस्पताल की जरूरत है? अब चुनाव का समय है, आप मांग करते हैं कि और स्वास्थ्य के क्षेत्र में और सुविधा मरीजों को दी जाए, बढ़ाई जाए। हाँ, ऐसा फिर एक गो होना चाहिए, कहे कि यहाँ पूरा झारखंड का आदमी आता है, भीड़ भाड़ तो बहुत ही होता है, आप लोग भी देख रहे हैं, सब देख रहा है। ये बताइए कि और ऐसे सुविधा की जरूरत थी, अस्पतालों की जरूरत है ताकि मरीजों को बहुत भटकना ना पड़े? जी, बहुत ज़्यादा जरूरत है। जिस हिसाब से देखा जाए तो प्रत्येक दिन यहाँ पे लाखों की संख्या में मरीज आते हैं और काफ़ी परेशानी होती है। ये क्या है कि अब जो राजनीतिक दल हैं वो अपना मैनिफेस्टो जारी करेंगे, घोषणा पत्र जारी करेंगे, उसमें इस बात को रखना चाहिए, सभी नेताओं को जरूरी है, सभी राजनीतिक दलों के लिए जरूरी होना चाहिए कि ऐसे और अस्पताल बनाएंगे, ऐसा दावा होना चाहिए, वादा होना चाहिए? ये वादा तो देखो कागजों पे ही होती है, तो जहाँ तक हो सके इलेक्शन से पहले अगर हो तो और बढ़िया बात है। तो ये है, ज्यादातर मरीज हों या उनके परिजन हो, ये चाहते हैं कि उनके लिए सुविधाएं बढ़े। सिर्फ रिम्स के भरोसे ही सभी मरीजों को छोड़ा नहीं जा सकता है, लिहाजा जरूरत इस बात की है कि जब चंद दिनों के बाद राजनीतिक दलों के द्वारा मैनिफेस्टो जारी होंगे तो इन मरीज और इनके परिजनों की बात को भी सुनी जाए और उसमें इस बात को समाहित किया जाए कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में न सिर्फ दावे और वादे होंगे बल्कि उसको जमीनी हकीकत बनाने पर भी कोशिश होगी। हम उम्मीद करते हैं कि न्यूज 11 के माध्यम से जहां तक ये बातें पहुंच रही होंगी वो अपने मैनिफेस्टो में इन बातों को समाहित करने की कोशिश करेंगे और देश हित, जनहित और राजहित में अपने काम को आगे बढ़ाएंगे। कैमरामैन पवन के साथ शहनवाज, न्यूज 11 भारत, रांची।